हे दोस्तों, एजुकेशन वर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे GD&T सिंबल्स के बारे में। तो डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। GD&T सिंबल्स बेसिकली क्या होता है? बेसिकली GD&T सिंबल्स किसी फीचर की कैरेक्टरिस्टिक और उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, राइट? अगर किसी भी मैकेनिकल ड्राइंग में अगर मैं बात करूँ तो GD&T सिंबल्स आपको कुछ इस तरह से नजर आते हैं, राइट? ठीक है, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो होता है फीचर। सो व्हाट इज द फीचर? तो फीचर को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ये बोल सकते हो, राइट? तो जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ अबाउट द फीचर, तो भाई उनका हैंड राइज होता है कि भाई फीचर होता क्या है सर, आप मुझे बताइए फीचर क्या होता है। ठीक है भाई, मैं बताता हूँ, राइट? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर मतलब होता है एनी सरफेस और सेट ऑफ पैरेलल सरफेस एसोसिएट विद द साइज डायमेंशन, जो कि डायमेंशन के साथ एसोसिएट करेगा, राइट? ठीक है, अगर स्पेसिफिक अगर कोई एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो प्लेट का थिकनेस इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसके अंदर दो अपोजिट पैरेलल सरफेस होती है। ठीक है, जिसमें एक सरफेस दूसरे सरफेस के पैरेलल रहेगा, तो प्लेट का थिकनेस हम मेजर कर सकते हैं, मतलब उसका डायमेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूं तो होल का डायमीटर। देखो, होल के डायमीटर में एक सिलेंड्रिकल सरफेस होती है, एक सर्कुलर सेक्शन होता है। तो वहां पर जो सिलेंड्रिकल सरफेस हुआ और जो सेक्शन हुआ उसको आप बोल सकते हो कि दिस इज नथिंग बट दिस द फीचर। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं एक क्यूब लेता हूं और एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक लेता हूं, तो क्यूब के अंदर जो ये रेक्टेंगुलर जो फेस आपको नजर आ रहा है ना, वो एक फीचर कहलाएगा। और जो अगर सिलेंड्रिकल के अंदर बात करूं तो इसके अंदर सर्कुलर सेक्शन है और जो उसका सिलेंड्रिकल सरफेस है वो कहलाएगा इसका फीचर, राइट? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो भाई इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लीजिए प्लीज, राइट? तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आने वाला है, क्लियर है? चलिए बेसिक GD&T सिंबल्स की कैटेगरी देखते हैं। देखो, बेसिकली हमारे पास कुछ कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है? जैसे इंडिविजुअल फीचर, इंडिविजुअल और रिलेटेड फीचर और रिलेटेड फीचर, ठीक है? अब इंडिविजुअल फीचर के अंदर क्या आएगा? फॉर्म आएगा, ठीक है? फॉर्म मतलब उसका बनावट, ठीक है? इंडिविजुअल और रिलेटेड फीचर के अंदर क्या आएगा भाई? उसकी प्रोफाइल आएगी, ठीक है? रिलेटेड फीचर के अंदर ओरिएंटेशन, लोकेशन और रनआउट आएगा, ठीक है? एक एक को अच्छे से समझते हैं ताकि हमको समझ में आए कि भाई होता क्या है। देखो फॉर्म मतलब होता है बनावट, ठीक है? मतलब किस तरह का वो दिख रहा है आपको, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करूं ना मैं, या सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करूं, या किसी भी तरह की प्रोफाइल की बात करूं, है ना, जो फीचर ऊपर वाला, तो ये स्ट्रेटनेस शो कर रहा है, राइट? मतलब उसकी बनावट शो कर रहा है, लेकिन ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा, मतलब ये अपने आप में स्ट्रेट है, राइट? इंडिविजुअल और रिलेटेड फीचर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आएगा प्रोफाइल। अब देखो, यहां पर एक लाइन प्रोफाइल आपको नजर आ रहा है, ये एक रिलेटेड फीचर भी है, इंडिविजुअल फीचर भी है। आप बोल सकते हो कि डेटम ए और डेटम बी के साथ जो लाइन प्रोफाइल रहेगा ना, वो कंट्रोल में रहेगा, राइट? रिलेटेड फीचर की बात करूं तो इसके अंदर ओरिएंटेशन, लोकेशन और रनआउट रहेगा। तो ओरिएंटेशन को समझते हैं। देखो जरा, ओरिएंटेशन मतलब क्या बता रहा है वो, कि डेटम ए के साथ कोई फेस है जो परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, राइट? लोकेशन में ये बता रहा है कि भाई कोई भी सर्कुलर रहेगा या फिर सर्कुलर सेक्शन रहेगा तो उसकी लोकेशन को कंट्रोल करना है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दो सर्कल है हमारे पास, दो सर्कल का सेंटर पॉइंट एक होना चाहिए, तो मतलब कॉन्सेंट्रिसिटी, ठीक है? यहाँ पर है रनआउट, रनआउट मतलब होता है रोटेशन, ठीक है? अगर यहाँ पर मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है ना, तो सिलेंड्रिकल ब्लॉक बोल सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर रोटेट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे रनआउट से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? इतना समझ में आया? GD&T सिंबल्स के एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए देखते हैं भाई कितनी कैटेगरी के अंदर कितने टाइप्स होते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन कितने सारे होते हैं। भाई देखो, फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन और रनआउट हम लोगों ने अभी समझा। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में अगर हम थोड़ा सा जाएंगे ना, तो स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, लाइन प्रोफाइल, सरफेस प्रोफाइल, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म बहुत ज्यादा हो गया, राइट? मतलब बहुत ज़्यादा सिंबल्स हैं, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप डरिए मत, ठीक है? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसको समझाने के लिए मैं हूँ, तो आपको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि भाई किस तरह से ये काम करते हैं, राइट? चलिए, स्टेटनेस को सबसे पहले हम लोग समझाते हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको जो एरो नजर आ रहा है ना, वो ही शो करने वाला है आपको स्ट्रेटनेस। देखो, अगर मैं सिलेंड्रिकल ब्लॉक लूँ या फिर कोई सर्कुलर फेस लूँ या फिर किसी भी तरह का मैं फीचर का इस्तेमाल करता हूँ, तो जो फीचर मतलब सरफेस, राइट? तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटनेस की, मतलब ये क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए, राइट? अब स्ट्रेट होना चाहिए, तो स्ट्रेटनेस को मैं कैसे शो करूंगा भाई? कुछ इस तरह से भाई, यहाँ पर एक लाइन मैंने स्ट्रेटनेस को शो करने के लिए एक लाइन मैंने सेंटर में रखी है। 0.05 इज द टॉलरेंस, 50 माइक्रोन का जो है वो टॉलरेंस है, मतलब जो स्ट्रेटनेस रहेगा ना वो 50 माइक्रोन में रहेगा। चलिए, ये चीज आप फ्लैटनेस में थोड़ा अच्छा समझोगे। देखो, फ्लैटनेस को समझते हैं,
व्हाट इज द फ्लैटनेस। फ्लैटनेस मतलब होता है कि अगर मैं बात करूं जो आपको रेड वाला जो एरिया नजर आ रहा है ना, वो दो पैरेलल प्लेन के बीच में रहना चाहिए। मतलब जो क्या रहेगा, दो पैरेलल प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारा टॉलरेंस, राइट। ठीक है, तो पैरेलल को या फिर आप बोल सकते हो कि फ्लैटनेस को हम लोग कुछ इस तरह से शो करेंगे। अगर मैं बात करूं इस क्यूब की ऊपर वाले फेस के टॉलरेंस की या फिर फ्लैटनेस की, तो देखो फ्लैटनेस को कुछ इस तरह से शो करते हैं। 0.05 इज नथिंग बट इट इज द टॉलरेंस। ये क्या करेगा, ये टॉलरेंस को शो कर रहा है, राइट। सर्कुलरिटी की बात करें तो सर्कुलरिटी कुछ इस तरह से नजर आएगी आपको। जैसे अगर मेरे पास कोई सिलेंडर, तो वो उसके अंदर कोई सर्कुलर सेक्शन रहेगा, तो उसकी सर्कुलरिटी को मुझे मेजर करना है, तो वो भी एक टॉलरेंस के अंदर ही मुझे मेजर करना पड़ेगा, राइट। लाइन प्रोफाइल की बात करता हूं तो देखो लाइन प्रोफाइल, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक प्रोफाइल है मेरे पास, ठीक है। अब प्रोफाइल दो सर्कल से मिलकर बनी हो सकती है, राइट। ठीक है, तो देखो यहां पर जो रेड कलर की आपको लाइन नजर आ रही है वो दो ब्लू लाइन के बीच में है, और ब्लू लाइन के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं, राइट। तो यहां पर लाइन प्रोफाइल को मैं इस तरह से शो करूंगा विद द डेटम और विद द डेटम बी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, इसके लिए रेफरेंस रहेंगे, तो इसके लिए जो सिंबल है वो उल्टा सी है, राइट। तो 0.05 इज नथिंग बट इट इज द टॉलरेंस, ठीक है। सरफेस प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो सरफेस प्रोफाइल भी कुछ इसी तरह से रहेगा, लेकिन ये 3D में रहेगा, ठीक है, 3D में रहेगा। तो इसके अंदर अगर मैं सरफेस की बात करूं तो दो सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगा हमारा टॉलरेंस, ठीक है। और सरफेस प्रोफाइल का जो सिंबल है वो है उल्टा डी, राइट। तो यहां पर अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर में इस तरह से मैं इसको टॉलरेंस को प्रोवाइड कराऊंगा कि भाई ये क्या रहेगा सरफेस, ये आप बोल सकते हो कि इसकी सरफेस प्रोफाइल कुछ इस तरह से शो करेंगे 0.05 मतलब 50 माइक्रोन के टॉलरेंस के साथ। अब बात करते हैं एंगुलरिटी, ठीक है। एंगुलरिटी कुछ इस तरह से रहेगा, ये भी दो पैरेलल प्लेन के बीच का टॉलरेंस रहेगा। एक सरफेस को मुझे शो करना है कि भाई वो क्या है, एक एंगल में है किसी एक पर्टिकुलर प्लेन या फिर एक फीचर के रेफरेंस में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आपको नजर आ रहा है कि भाई ये मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है। इसमें मुझे बताना है एंगल, लेकिन एंगल बताना है विद द डेटम ए, ठीक है। देखो 70 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक कंट्रोल फीचर फ्रेम का इस्तेमाल करूंगा, उसमें एंगल का निशान मैंने दिया हुआ है 0.05 मतलब टॉलरेंस विद 50 माइक्रोन, जो मैंने आपको दो पैरेलल लाइन बताई थी, राइट, उसके बीच का। तो एक जो डेटम है वो उसके रिस्पेक्ट में 70 डिग्री का एंगल रहेगा, क्लियर हुआ। परपेंडिकुलरिटी मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं रेड लाइन है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो अगर वो दो पैरेलल लाइन मतलब टॉलरेंस, फिर से मैं बता रहा हूं दो पैरेलल लाइन है वो टॉलरेंस है, ठीक है। वही टॉलरेंस को हम लोग उसके अंदर लिखते हैं। यहां पर देखो डेटम ए जो है इसके रेफरेंस में मुझे इस फेस को परपेंडिकुलर बताना है, तो 0.05 मतलब 50 माइक्रोन का टॉलरेंस विद डेटम ए। पैरेललिज्म, देखो पैरेललिज्म कैसा रहेगा कि अगर मैं बात करूं कि अगर दो सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए दोनों के बीच में, तो बेसिकली तो यहां पर मुझे इस फेस को बताना है कि वो डेटम ए के साथ क्या रहेगा, 180 डिग्री में रहेगा, राइट। तो 180 डिग्री में रहेगा तो मतलब 0.05 मतलब 50 माइक्रोन के टॉलरेंस के साथ विद द डेटम ए, मतलब पैरेलल रहेगा। अब अगेन पोजीशन की बात करते हैं जो कि लोकेशन के अंदर आता है। पोजीशन मतलब क्या हुआ, जो आपको येलो कलर के डॉट नजर आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर मुझे इस रेक्टेंगुलर को क्या करना है, पोजीशन करना है, पोजीशन बनाना है। तो किसी एक सर्कल को भी मैं यहां पर पोजीशन दे सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास चार साइड हैं किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक की, ठीक है। मुझे क्या करना है, डेटम ए और डेटम बी में प्रोवाइड कराता हूं। मुझे जो सर्कुलर वाला जो सेक्शन है, जो सेंटर वाला सर्कल है, उसको मुझे लोकेशन प्रोवाइड कराना है। तो यहां पर जो 20 का डायमेंशन है वो प्लस माइनस 0.1 टॉलरेंस के साथ, ये क्या है, इसका बेस डायमेंशन है, राइट। यहां पर मैंने लोकेशन प्रोवाइड कराया है 0.05 विद डेटम ए विद डेटम बी, जो कि सेंटर की पोजीशन है, राइट। इसी तरह से कॉन्सेंट्रिसिटी, कॉन्सेंट्रिसिटी मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल से कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब दोनों के सेंटर एक होना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिसिटी। अब यहां पर अगर मेरे पास एक सिलेंड्रिकल फेस है या फिर सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जिसके अंदर एक इनर डायमीटर है एक आउटर डायमीटर है, राइट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ये डेटम ए है, तो डेटम ए है तो अंदर वाले सर्कल को मैं डायमेंशन प्रोवाइड कराऊंगा कि भाई आप बोल सकते हो कि दोनों का सेंटर एक होना चाहिए, मतलब दोनों को सेंटर के सेंटर लाइन के बीच के डिस्टेंस है ना 0.05 या 50 माइक्रोन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विद द डेटम ए, राइट, क्लियर हुआ। और जो 20 है वो इसका बेस डायमेंशन है प्लस माइनस 0.1। अगेन सिमेट्री, सिमेट्री मतलब होता है कोई भी आप बोल सकते हो ज्योमेट्री या फिर 2D में ज्योमेट्री रहेगी,
राइट, जो 2D में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो वो कितना सिमेट्रिक है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेड लाइन शो कर रहा है, ठीक है, तो रेड लाइन शो कर रहा है वो एक डेटम शो कर रहा है कि भाई इस डेटम के साथ, एक सेंटर लाइन के साथ मुझे क्या चाहिए, ये सिमेट्री चाहिए, मतलब दोनों जो प्रोफाइल रहेंगी वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिमेट्री शो कर रहा है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये एक प्रोफाइल है, ठीक है, तो यहाँ पर 20 mm है, ठीक है, 20 mm और 40 mm, तो यहाँ पर मैं एक डेटम ए ले लेता हूँ, विद डेटम ए 20 mm 40 mm के साथ सिमेट्री होना चाहिए, मतलब दोनों का सेंटर लाइन एक होना चाहिए, राइट। तो 0.05 इज नथिंग बट इट इज द टॉलरेंस विद द डेटम ए, राइट, इसको बोलेंगे सिमेट्री। तो तीनों ही पोजिशन, कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्री, तीनों ही लोकेशन को शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं रनआउट के बारे में। रनआउट देखो क्या होता है बेसिकली, अगर मैं रनआउट की बात करूं तो सर्कुलर रनआउट, तो सर्कुलर रनआउट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिर्फ एक सर्कुलर रनआउट की, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आपको एक शाफ्ट नजर आ रही है, शाफ्ट को अगर मैं एक एक्सिस के अलावा रोटेट करूंगा, ठीक है, तो वो रोटेशन कैसा होना चाहिए, एक दूसरे ब्लॉक के रेफरेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे ब्लॉक के, सिलेंड्रिकल ब्लॉक के रेफरेंस में अगर रहेगा, तो मैं यहां पर रनआउट के बारे में बात करूं तो इससे ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0.5 मतलब बोल सकते हो 500 माइक्रोन, तो 500 माइक्रोन विद द डेटम और विद द डेटम बी, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको दे सकते हैं, राइट। तो यहां पर मैंने क्या लिया, एक डेटम ए लिया, जो कि बेसिकली आप बोल सकते हो ये दोनों शाफ्ट है, राइट। तो डेटम ए के रेफरेंस में इसका अगर मैं सर्कुलर रनआउट बताऊंगा तो 0.05 मतलब 50 माइक्रोन में विद द डेटम ए के साथ ये घूमना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मोटर में, राइट। टोटल रनआउट की बात करें तो शाफ्ट बढ़ जाएंगे हमारे पास, हैं, शाफ्ट इंक्रीज हो जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के टोटल रनआउट, अब देखो टोटल रनआउट में क्या है कि यहां पर जो शाफ्ट है वो दो शाफ्ट ले ली, सेंटर में एक और मैंने शाफ्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा, तीन शाफ्ट हमारे पास हो गई, तो मैंने दो शाफ्ट को मैंने क्या दिया है, डेटम रेफरेंस दिया है, या फिर बोल सकते हो डेटम दिया है। तो तीसरी शाफ्ट में मैं क्या दूंगा, एक कंट्रोल फीचर फ्रेम का इस्तेमाल करूंगा कि तीसरी जो शाफ्ट है ना वो दोनों डेटम के साथ 0.05 मतलब 50 माइक्रोन के अंतर में घूमना चाहिए, मतलब 0.05 से ज्यादा का टॉलरेंस, मतलब डिस्टेंस नहीं होना चाहिए घूमते समय, राइट, मतलब उसके रोटेशन में, ठीक है, वो ए और बी के साथ, ठीक है। तो उसको बोलेंगे टोटल रन आउट। आई होप समझ में आया होगा आपको सर्कुलर रन आउट और टोटल रन आउट के बारे में, राइट, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा था, आपको नींद आ रही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप सो सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।